तो गाइस सुबह से चले हुए हैं और ट्रिप है जयपुर का, और वहाँ हम पूरा जयपुर एक्सप्लोर करने वाले हैं। छोटी छोटी जगह जहाँ कॉलेज के बच्चे बैठते हैं, कैफे वगैरह जाते हैं और फुल एंजॉय करते हैं, और स्टे देखते हैं हम कितना बढ़िया करने वाले हैं। तो आओ तो मैं लेके चलूँ भैया जयपुर। और आपको एक चीज़ और बतानी है, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं हम सारे, और सारे के सारे स्मार्ट बॉय हैं, दो गाड़ी लेके निकलेंगे। तो आओ देखते हैं सारे फोर्ट्स, नारगढ़ फोर्ट, जयगढ़, अमेर पैलेस, सारी जगह देखेंगे। आओ चलो। तो गाइस टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और निकलने की है अब पूरी तैयारी। गाइस घर से निकल गए, टाइम हो रहा है 5:37। इस गाड़ी में खाली हम दो ही बंदे जा रहे हैं, तो फिर मैंने कहा स्विफ्ट ही ले लेते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी की क्या ज़रूरत है, तो दो बंदों के लिए स्विफ्ट इनफ है। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये एक हमारा भाई, ये भी हमारे साथ, जिसने अपनी रानी अंदर खड़ी करी हुई है, लेके जाने की इसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है। ये देखो भाई खुशी खुशी आ रहे हैं, हमारे ट्रिप पे जाना है दोस्तों के साथ, पहली ट्रिप मारने की तैयारी है भाई की हमारे। देखो छोटा सा ही बैग लाया, कह रहा है इतना बड़ा क्या करना है। तो गाइस चलने से पहले ये चीजें चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर स्टेट में जाके 2021 तो उससे बढ़िया ये है कि अपना पॉल्यूशन पेपर वगैरह सारे चेक करके निकलो। हम इसको लेके जाएंगे प्योर सीएनजी, फुल रिफिल हो गया 380 का, बहुत बढ़िया, सुबह के हिसाब से प्रेशर मिल गया। लेट स्टार्ट द ट्रिप विद जीरो। अरे लाला जी, इनका नाम है दक्ष अरोड़ा, और ये हमारा छोटा भाई, क्या नाम है भाई बता दो। कुणाल भाई। और ये हमारे भाई, तुम भी बता दो भाई अपना नाम। काड़े। और ये हमारा स्मार्ट बॉय यो, जो बोलता बहुत है, पूरी व्लॉग में आपको दिखने वाला है, सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला, सबसे ज्यादा स्मार्ट बॉय हमारा। तो गाइस ये हम आ गए हैं सीएनजी डलवाने, आपको दिखा दूं मैं, 87 किलोमीटर हो चुके हैं, तो मैंने कहा चलो डलवाने, जब पंप आ ही गया है तो आईजीएल का हमारा ये पंप है, तो यहाँ सीएनजी रिफिल करा रहे हैं हम। आपको मैं दिखा दूं, खाली 113 रुपए की गैस आई है टोटल 87 किलोमीटर के बाद, मतलब 2 किलो 62 ग्राम आई है। ये आ गया हमारा सेकंड टोल टैक्स, जो अब 140 किलोमीटर पे आया है मेरे घर से, और यहाँ टोल टैक्स कटवा। तो गाइस ये अब हम आ गए हैं निमराना हाईवे किंग, आप देख रहे हो ये खड़ी हमारे भाई की गाड़ी होंडा सिटी, और ये रही अपनी। अब चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, मैं बस थोड़ा लेट हो गया, सीएनजी डलवा रहा था तो ये पहुंच गए, इन्होंने ऑर्डर कर रखा है, चलो आओ खाते पीते। हेलो गाइस, ये देखो हमारा लड़का बैठा सामने खुश एकदम, क्या खा चुका है भाई आज? भाई ऑर्डर करेंगे। मैं तो कपलेटा चाट के बैठा एकदम, अभी नहीं, शर्मा रहा है क्या? जैन साहब तो भी है, अरे जैन साहब बैठो ना, ये बात दिखेगा पीछे। जैन साहब कह रहे ध्यान देंगे थोड़ा, कहीं बहुत देना जरूरी है। आ जाओ भाई, आप भी यहीं आ जाओ, आप भी यहीं आ जाओ कि नहीं। लाला जी खुश हो, मज़ा आ रहा है, गाड़ी तेज तो नहीं चला रहे, आराम आराम से बिल्कुल। ओ कंडक्टर साहब आप बताओ, बढ़िया भाई, फील आ रही है पूरी सिस्टम से, गाड़ी चलाने की या बैठने की? तो आप देख रहे होगे भाई खुश क्यों है इतना। अबे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, ये होंडा सिटी हमारा छोटा भाई लेके भाग चुका, एक घंटा खराब करने के बाद, फोटो सेशन पूरा करने के बाद, अब हम भी चल पड़े हैं, और अब देखते हैं सीधा जयपुर जाके ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो, टाइम से पहुंचे थोड़ा। तो गाइस देखो ये फिर
टोल आ गया, कितने टोल आएंगे, क्या करेंगे हम भाई लोग? है भाइयों, कितना पैसा भरने वाले हो तुम टोल में? अंधा अंधा भरोगे? और खर्चा दबा के करने वाले हो तुम? दबा के चलो यार, ये भी ठीक है, पर टोल टैक्स ने तो बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। अरे हमारे होंडा सिटी वाले भाई सोच रहे सबसे पहले हम ही जाएंगे, इनको कहो थोड़ा आराम से जाएं, जल्दी ना करें बिल्कुल भी, जल्दी जाके कुछ नहीं होगा। गाइस देख रहे हो, सुबह से अब हम चौथी बार सीएनजी डलवाने लगे हैं, जिसमें 274 किलोमीटर अभी तक चल गई है। मेरे पास 3 लाइट फ्यूल अभी भी पड़ा है, फिर भी मैं डलवा रहा हूँ। कल पूरा दिन जयपुर में घूमेंगे। ये राजस्थान का लास्ट सीएनजी पंप आता है कुकस के अंदर, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ कितने रुपए केजी है, वो भी आपको बता दूंगा प्रॉपर सब कुछ। और देखते हैं कितने केजी गैस अब हमारी आती है 274 किलोमीटर चलाने के बाद। लास्ट हमने 147 पे डलवाई थी, लेट्स सी। फाइनली हम पहुंच गए जयपुर और टोटली सीएनजी पे आए हैं। आपके सामने लास्ट मेरी जो गैस आई है 215 की आई है 100 किलोमीटर चलने के बाद। और आप देख रहे हो जो जयपुर का रश है, ये तो पेट्रोल पे कर देगा बुरा हाल। होंडा सिटी की क्या एवरेज आती है पता नहीं, अपनी तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब होटल सर्च करते हैं, कहाँ रहना है, क्या करना है। रश तो आपको दिख ही रहा होगा, इतना बुरा है। और यहाँ जो क्राउड रहता है, बाइकर्स वगैरह रहते हैं, कुछ नहीं देखते, इधर उधर घुस जाते हैं गाड़ियों के अंदर। और देखते हैं स्टे कहाँ होता है, पहले रमाडा देख रहे थे, वहाँ हमारे को मिला नहीं, अब देखते हैं कहाँ जाना है। तो गाइस ये देखो, ये ओपन हो गया हमारा रूम, और ये हमारा बदमाश भाई यहाँ खड़ा है, हमारा बदमाश भाई यहाँ पे खड़ा है। तो हम रूम में एंटर करते हैं, आपको रूम का लुक करा दो एक बार। ये भाई देखो हमारा खुश हो रहा है, इसकी लोकेशन बहुत बढ़िया आ रही है। रुके बढ़िया, आपको दिखा दूं, एकदम फील आज लेने वाले हमारे सारे भाई। आप देख लो डंगरों की तरह आके इन्होंने पूरा बेड खराब कर दिया। ये हमारा वंशज भाई चला ऊपर रूम की तरफ, आओ चले। भाई को लेके लिफ्ट में सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे छोटे छोटे भाई और रुके हुए हैं। इनका मूड है कि 6 के 6 हम एक ही रूम में रुके, मजे मार लें अच्छे से। चलो रूम का रिव्यू कर लें एक बार। चलो ये रूम में हम एंटर हो गए, आप भाइयों देख लो। प्रॉपर्टी तो अच्छी है, प्रॉपर्टी अच्छी है, रेडिसन ब्लू की है। आज हम आए हैं व्लॉग शूट करना था, तो हमने कहा प्रॉपर्टी भी अच्छी ले लें, वैसे तो हम थोड़े तेज हैं, आपको पता लग जाएगा टाइम के साथ। और वॉशरूम की तरफ चलते हैं, मैं आपको वॉशरूम भी दिखा दूं, थोड़ा सही सही लग रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं। ये टॉल दिए हुए हैं, कोविड की वजह से हम यहाँ का कुछ ऐसा सा यूज करेंगे नहीं, वो हम अपने ही करेंगे मेरे हिसाब से। और आपको ये दिखा दूं, रेडिसन ब्लू, झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, ये दिखाना जरूरी है। गाइस आपको दिखाऊंगी, हम आए हुए हैं कैफे एरिया में पूरा, आपको दिखाऊंगी मेरा चल रहा है ओरियो शेक, और इन भाइयों के पैक होके आ रहे हैं एकदम। ये रूम पे जाके एंजॉय करने वाले हमारे भाई, पूरा खाना वाना इनको ये कि हम ओपन में ना खाएं कोविड की वजह से, तो ये भाई हमारे अंदर आराम से बैठ के खाएंगे, सेफ्टी सच जो है वो इसके पीछे है। तो गाइज ये सारे जयपुर के बड़े मॉल्स वगैरह हैं, जहाँ लोग आते हैं लोकल शॉपिंग के लिए, और बाहर से भी जो आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ फेमस हैं ये मॉल वगैरह, WP वगैरह, और ये वेस्टर्न साइड आप देख रहे होगे, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ। तो आओ तो इस जगह आ सकते हो, कैफ़े एरिया मैंने आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ वगैरह हैं वहाँ जो रनिंग में हैं, और टेस्ट वगैरह जिनका बहुत ही अच्छा है। तो मेरा सेल्फ टेस्टेड है, अप्रूव कर दिया मैंने,
तो आप समझ सकते हो कर दिया आपको, तो जरूर एक बार ट्राई करें। अब नींद आ रही है क्योंकि सुबह अब हम जल्दी निकलेंगे नारगढ़ फोर्ट, जयगढ़, जलगांव पूरा कल एक्सप्लोर करके, हो सकता है कि कल ही हम दिल्ली वापसी निकल जाएं। जैसे भी होगा वीडियो में देखते रहेंगे। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार, बहुत ज़रूरत है। तो गाइस हम नीचे आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। ये हमारे कुछ कुत्ते भाई हैं जो इनको भूख बहुत तेज लगी थी, आ गए नीचे खाना खाने बहुत ही जल्दी। आप ही खाते हैं? खाली दो ही भाई हैं जो हम आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे और कुछ स्पेशल भी कर देंगे, क्या पता। खा लो, तुम खा लो पहले आराम से, कोई बात नहीं।